क्या आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी करने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो जरूर देखें और जानें कैसे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स जैसे कि SSC, IBPS, रेलवे, स्टेट PSC, इनका एक जैसा पैटर्न और सिलेबस होता है, जिसे हमें समझना होगा तभी हम कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। अगर आप हर SSC या स्टेट PSC को अलग अलग करके देखेंगे या हर एक एग्जाम की तैयारी अलग से करेंगे तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप कैसे एक तरीके से तैयारी करके आप हर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और जानें आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन का आंसर, जो कि है क्या आपको सभी एग्जाम के लिए अलग से पढ़ना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने एक तरीके की तैयारी करते हुए 5 अलग अलग एग्जाम निकाले, जैसे IBPS, PO और SSC CGL, जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स हैं। तो इसलिए आपको भी वही टिप्स देना चाहता हूँ जो मैंने फॉलो की थी। सबसे पहला स्टेप है एग्जाम के पैटर्न को समझना। यहाँ मेरा मतलब है, अगर कोई भी एग्जाम भरते हैं तो उस एग्जाम का पैटर्न जरूर देखें और जानें एग्जाम में कितने सब्जेक्ट्स या सेक्शन होते हैं और कितने टायर या लेवल्स होते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन होते हैं। यह पैटर्न ना केवल SSC के एग्जाम में फॉलो होता है, बल्कि यह दूसरे एग्जाम जैसे IBPS, रेलवे जैसे एग्जाम में भी फॉलो होता है। और IBPS PO में तो यह पैटर्न प्री और मेंस दोनों के लिए होता है। तो आपको यहाँ एग्जाम पैटर्न समझ आ गया होगा कि सब पैटर्न एक जैसे हैं, बस आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है और हर एग्जाम का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे या आपको लगता होगा कि एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तो एक जैसी तैयारी कैसे कर सकता हूँ, पर मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आपने एग्जाम नोटिफिकेशन में देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि 70-80% सिलेबस सेम होता है, जिसका फायदा आपको मिल सकता है। और हमें वही देखना है कि इसका फायदा कैसे उठाएं। अगर आपने सिलेबस कंपेयर किया होगा तो पाया होगा कि बहुत सा टॉपिक सेम है, जैसे कि क्वांटिटेटिव सेक्शन में वही नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एक्सेट्रा से रिलेटेड ही टॉपिक्स मेंशनड है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यह SSC CGL का क्वेश्चन है और यह IBPS PO का और यह SSC CHSL का। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए ये सजेशन देना चाहूँगा कि कंसेप्ट क्लियर करने में ध्यान दें ताकि आपको सभी क्वेश्चन एक जैसे लगे, वरना हर एग्जाम का पैटर्न और क्वेश्चन अलग ही लगेगा और आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे हर एग्जाम एक जैसे होते हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की सोच रहे हैं। आपको बस सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न को ध्यान से पढ़ना है और समझना है ताकि आप सेक्शन से जुड़े टॉपिक्स की तैयारी ध्यान से कर सके। आपको सिर्फ एक एग्जाम को क्रैक करने में ध्यान नहीं देना, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है तो आपको एक एग्जाम पर निर्भर नहीं रहना। तो इसलिए मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप पैटर्न को समझें, सिलेबस को देखें और उस हिसाब से अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हुए एक यूनिवर्सल वे में इसको तैयार करें। अब आपको लग रहा होगा कि स्टेट PCS, SSC, रेलवे इनमें कुछ तो डिफरेंस होता होगा। हाँ, इसमें कुछ डिफरेंस होता है, बस डिफरेंस ये हो सकता है किसी एग्जाम में एक सेक्शन ज्यादा है या किसी में एक कम। इसमें यह जोड़ना चाहूंगा कि स्टेट PSC के एग्जाम्स में उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज का एक एक्स्ट्रा सेक्शन होता है, जो कि उस एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चंस देखकर ही समझ सकते हैं कि लेवल क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और बात करें बाकी के 4 सेक्शन जो कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आपको
यूनिवर्सल वे में तैयार करने होंगे ताकि आपके सभी एग्जाम का सिलेबस कवर हो जाए। यहाँ पर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट सलाह देना चाहूंगा जो मैंने भी फॉलो करी थी और बाद में SSC CGL का एग्जाम क्रैक करते हुए इंस्पेक्टर की पोस्ट 2014 में ली थी। मेरी यही सलाह है, जो भी तैयारी करने की सोच रहे हैं उनके लिए यही कहूंगा कि फोकस चाहे एक एग्जाम को क्रैक करने का हो, लेकिन हर फॉर्म भरे और अपीयर हर एग्जाम में हो, ताकि आपको आइडिया हो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो कि आपके मेन एग्जाम को क्रैक करने में फायदेमंद साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जाने अगली वीडियोस में कि गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं और आपसे करंट अफेयर इश्यू पर फैक्चुअल वीडियोस मिस ना हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।